लेकिन छोड़ के मत आना, खा के आना सारा। ठीक है मम्मी। या भाई साहब आपको नहीं जाना है क्या? हाँ बस कुछ देर में निकल जाओ। टिफिन ला रहे हैं। आइए चलिए। क्या हुआ सुरेश? सुबह से खांस रही थी, खांसते वक्त मुंह से खून आ गया। तलवार मिलते हैं। क्या हुआ बेटा? नहीं पापा, सुबह मैं पढ़ रही थी तो मेरे मुंह से खून आ गया। डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है?
देखिए आपकी बेटी की कुछ टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि आपकी बेटी को कैंसर है। क्योंकि क्या कैंसर करती है? ऐसे कैसे बोल सकती है कि मेरी बेटी को मेरी बेटी स्मोक करती है? जी हम नहीं, आपकी बेटी की रिपोर्ट बोल रहे हैं कि आपकी बेटी स्मोकिंग करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम घर में सिगरेट पीते हैं तो मेरी बेटी मुझ पे खुद गुस्सा करती है। अरे नहीं भाई साहब, डॉक्टर सही बात सही कह रही हैं, क्योंकि आप जो स्मोकिंग करते हैं उसका प्रभाव पूरे फैमिली को पड़ता है, इसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। कैसा फील हो रहा है बेटा? बाबा मैं आपको बार बार मना करती थी ना कि स्मोकिंग मत किया करिए, फिर भी नहीं मानते थे ना। मामा यहाँ भी जाते थे, वहाँ के भी लोग पीते हैं। सॉरी बेटा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द निकल रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, देखिए मेरे पास मेरी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इस ट्रीटमेंट में जितना खर्चा होगा हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस मेरी बेटी को आप ठीक कर दीजिए जल्द से जल्द। आप इतना परेशान मत होइए, अभी इनका शुरुआती स्टेज है, तो जो हम लोग पकड़ में आ गया है, अब इसका बेटर से बेटर इलाज हम लोग सोचेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे साथी तथा हमारे सामने जो ये दृश्य देख रहे हैं, उनको हम इस दृश्य के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि आज जो इनके साथ हुआ है वो यहाँ पे किसी के भी साथ हो सकता है। तो कृपया स्मोकिंग से दूर रहे और हमारे इस बात का ध्यान रखे, जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई आता है वो इतना गंदा होता है, उसमें हम लोग बिना प्यूरिफाई किए हुए पीते हैं और मार्केट से फ्रूट्स लाते हैं जो स्प्रे द्वारा पकाया जाता है, कुछ केमिकल यूज करके उसको बिना धुले हुए हम लोग खाते हैं। तो अन्य कारण हो सकते हैं, ऐसे रास्ते में हमारे बच्चे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे कुछ गांव के लोग होते हैं, ग्रुप बना के सिगरेट बीड़ी पीते हैं, इसका धुआं हमारे बच्चे इनहेल करते हैं, तो उस कारणों से भी कैंसर हो सकता है। तो ध्यान रखिए, खुद तो इन बातों से दूर रहें, लेकिन आपके सामने अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी दूर रहने की सलाह दें, उन लोगों को भी बोलें कि हाँ वो स्मोकिंग ना करें। तो बी सेफ बी हैप्पी।